वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में। प्रीवियस वीडियो में हम बात करता था कि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की, कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या कंसिडर करा जाता है। एवरेज कॉस्ट बेसिकली अगर डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो किसी भी आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका कॉस्ट पर यूनिट अगर बात की जाए, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक्सपेंस ऑन पर यूनिट, एक पीस या एक यूनिट का, वन यूनिट का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करता है। एवरेज कॉस्ट यानी कि पर पीस, पर यूनिट या पर पैकेट या पर आउटपुट क्या यहाँ पे एक्सपेंस डिटरमाइन हुआ है, क्या खर्चा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन कंपनी ने 12 बैग्स बनाए, यहाँ पे 12 बैग्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पे 12 बैग्स बनाए 10 रुपीज़ ईच, यानी कि जो आउटपुट है टोटल कॉस्ट वो कितना हो गया, 120 रुपीज़। अगर हम एवरेज निकालें इसका तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट कितनी है 120, क्वांटिटी कितनी है 12, तो यहाँ पर पीस 10 रुपीज़ आपका एवरेज कॉस्ट आ गया। यानी कि पर यूनिट का जो कॉस्ट है, पर यूनिट का जो एक्सपेंस है, पर यूनिट का एक्सपेंस को कौन डिटरमाइन करता है, एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन करता है कि पर यूनिट पर्सन का प्रोडक्शन करने पर कितना यहाँ पे एक्सपेंस लगा, कितना खर्चा आया, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। सो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो क्या होगा, ये कॉस्ट पर यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो निकाली जाती है उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जब टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइडेशन मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना कहते हैं। एवरेज कॉस्ट इस तरीके से पर यूनिट कॉस्ट पे निकलती है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन में, वो एवरेज कॉस्ट को माना गया है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट का एक्सपेंस कितना आया कंपनी के पास, डैट इज़ नोन एज एवरेज कॉस्ट। इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एवरेज कॉस्ट कहेंगे। सो एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय TC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कैसे निकालते हैं, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक स्केड्यूल बना के हम समझते हैं कि कैसे क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट दे रखा है यहाँ पे फर्म का, एक हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट और एक कॉलम में हम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट और ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। सो आउटपुट के बेसिस पर हम TC के बेसिस पर एवरेज कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और जो टोटल कॉस्ट दे रखा है वो आपको दे रखा है 20, 40, 60, 20, 40 और 56 और 68 और 16, 76 और 84 और लास्ट है 96। ये हमारा टोटल कॉस्ट है। अब हम एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करके, हमने फॉर्मूला देखा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 20 अपॉन 0, अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है इन्फिनिटी, 40 अपॉन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कॉस्ट TC अपॉन Q, 56 अपॉन 2, 28, 68 अपॉन 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 68 अपॉन अगर 3 हम करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या होगा,
तो यहाँ पे 22.6 आएगा, 76 अपॉन 4 19, 84 अपॉन 5 16.8, और 96 अपॉन 6 यहाँ पे आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हमने क्या करा, टीसी को डिवाइड करा क्वांटिटी से, तो हमारा क्या निकला, एवरेज कॉस्ट निकला पर यूनिट, कॉस्ट हमारा कैलकुलेट करा। तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट फॉर्म यहाँ पे कैलकुलेट करती है, जब भी प्रोडक्शन होता है तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को निकाला जाता है, और इस तरीके से इसका स्केड्यूल बनता है, और इसी तरीके से इसके कर्व भी यहाँ पे डिनोट होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एसी, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एट अ एवरेज एंड वेरिएबल कॉस्ट एट अ एवरेज। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एसी, फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले आएगा फिक्स्ड कंपोनेंट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और ये कैसे निकाला जाता है, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज कॉस्ट किसका सम है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एएफसी। एवरेज फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बनाता है, फिक्स्ड कॉस्ट बताता है पर यूनिट पर, किस पर बनाता है, पर यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट पर फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जितना भी आउटपुट क्रिएट करा उसमें पर आउटपुट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। इसको हम ऐसे समझते हैं एक स्केड्यूल से, जैसे हमें यहाँ पे आउटपुट दे रखा है और यहाँ पे हमें दे रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे दे रखा है हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 10, यहाँ पे भी 10, 7 8 तक ले लेते हैं, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। अब यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, 10/2 5, यानी कि पर यूनिट वो एवरेज कॉस्ट बता रहा है, फिक्स कॉस्ट बता रहा है। 10/3 3.33, 10/4 2.5, 10/5 यहाँ आ जाएगा 2, 10/6 1.67, 10/7 यहाँ पे आएगा 1.43, और 10/8 1.25। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट निकला, टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हमने आउटपुट से डिवाइड करा पर यूनिट, यहाँ पे क्या निकला, फिक्स कॉस्ट निकला। अगर हम देखेंगे तो इसको कैलकुलेट करके 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, फिक्स कॉस्ट ही आ रही है, 10 से चेंज नहीं होगा। 3.33 × 3 10, 2.5 × 4 10, 2 × 5 10, 1.67 × 6 10, 1.43 × 7 10, 1.25 × 8 10। यानी कि क्या बता रहा है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बता रहा है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या क्रिएट कर रहा है, ये फिक्स्ड कॉस्ट बता रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट बता रहा है, लेकिन ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर यूनिट बता रहा है, पर यूनिट यहाँ पे ये इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। तो ये सेम यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी, यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, क्यों, यहाँ फिक्स वैल्यू इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि ये पर यूनिट बता रहा है। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू यूनिट के हिसाब से चेंज होगी। सो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बताने वाला क्या हो गया, एएफसी, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेकंड पॉइंट, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू। जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा एएफसी यहाँ पे निकल कैलकुलेट होता है। तो ये हम इस तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो एएफसी यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टीएफसी आपके हो गया क्वांट टोटल फिक्स कॉस्ट, और
क्यू हो गया आपका क्वांटिटी, क्यू यहाँ पे क्वांटिटी से डिनोट होगा। अब हम इसका कर्व भी यहाँ पे बना के देख लेते हैं, कर्व किस तरीके से इसका डिनोट होता है। ये हमारा रहेगा वाई एक्सिस और ये होगा एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को हम दे देंगे ओ एक्स और इसको ओ वाई देंगे। ओ वाई के अंदर आपका आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और ओ एक्स में आएगा आपके आउटपुट। इसका कर्व किस तरीके से डिनोट होगा ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब पॉइंट्स ले लेते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कितना है यहाँ पे ए एफ सी का 10 है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट हम ले लेते हैं 2 के गैप से 2, 4, 6, 8, 10। और आउटपुट कितना है यहाँ पे मैक्सिमम 8 है, तो यहाँ पे इक्वल पोर्शन में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट। 1 पे यहाँ पे कितना है 10 है, तो 1 पे 10 पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे डिनोट कर देंगे। 2 पे कितना है 5, तो 2 पे हम यहाँ 5। 3 पे कितना है 3.33 यहाँ पे आ जाएगा। 4 पे कितना है 2.5, फाइव पे कितना है यहाँ पे 1.67, थोड़ा सा नीचे 6 पे 1.43, 7 पे 1.25। तो ये कर्व इस तरीके से जॉइंट होगा, ये बन गया आपका ए एफ सी का कर्व। इसका मतलब ए एफ सी का कर्व किस तरीके से बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। ये ए एफ सी का कर्व क्या शो कर रहा है कि पर यूनिट ये फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा है कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर हम ए एफ सी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टी एफ सी पर यूनिट निकल जाएगा। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि जो टी एफ सी का फॉर्मूला है वो एक और पॉइंट है कि ए एफ सी अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टी एफ सी निकल जाएगा। टोटल यूनिट ऑफ कॉस्ट, टोटल यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बताता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, और इसी को हम टोटल एक तरीके से इसे कर्व के समझते हैं कि ये कर्व किस तरीके से कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। इस कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम असर्टेन करते हैं। तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल बताता है, वेरिएबल कॉस्ट बताता है पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट बताता है। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट बताता है फिक्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताता है वेरिएबल कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट पे, कितना चेंज आ रहा है कॉस्ट में पर यूनिट पे, उसको हम क्या बताता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताता है। आउटपुट पर यूनिट में कितना चेंज आ रहा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से यहाँ पे डिनोट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इट इज़ अ कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है, ये वेरिएबल कॉस्ट बताता है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट करता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट बताता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से असर्टेन करते हैं, हम एक टेबल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं और फिर उसका हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है एक स्केड्यूल से समझते हैं, आउटपुट दे रखा हमें, एट तक हम पॉइंट ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रिलेशन करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो TVC का एक कर्व बना रहा है और एक हम बनाएंगे यहाँ पे ABC कि ABC कैसे कैलकुलेट करता है। तो ABC हम कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ABC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाय Q। तो जब हम TVC को क्वान्टिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 10 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 28 है, फिर 32 है, फिर 38 है, और फिर 46 है, और यहाँ फिर 62 है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, TVC को क्वांटिटी से डिवाइड करना, क्योंकि ये क्या बताता है, पर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो पर यूनिट ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 10/1, 10 TVC को क्वांटिटी से डिवाइड करा, 18/2, 9, 24/3, 8, 28/4, 7, 32/5, 6.4, 38/6, 6.3, 46/7, 6.6, और 62/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.7। तो इस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट पर यहाँ पे यूनिट निकाली, कैलकुलेट करा। अब इसका हम कर्व यहाँ पे डिनोट करते हैं, किस तरीके से कर्व बनेगा इसका, ये वाई एक्सिस और ये आ जाएगी एक्स एक्सिस, ये ओ एक्स पॉइंट हो गए, ये ओ वाई पॉइंट हो गए। इसको हम कहेंगे ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम कहेंगे आउटपुट। तो मैक्सिमम कितना है, ये 10 पॉइंट है, तो ABC हम 10 तक लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और TVC कितना है मैक्सिमम यहाँ पे, TVC आउटपुट कितना है मैक्सिमम, 8, तो 8 तक यहाँ पे लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 पे कितना है, 10 है, 2 पे कितना है, 9 है, 3 पे यहाँ पे 8 है, 4 पे यहाँ पे 7 पॉइंट पे है, 5th पे यहाँ पे 6.4 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, 6 पे यहाँ पे 6.3, 7 पे यहाँ पे 6.6, और 8 पे यहाँ पे 7.7, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्व यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, जो कर्व है वो शेप है वो यू पॉइंट लाइक है, लाइक अ यू। ABC का कर्व क्या है, यू, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एवरेज कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर डाउनफॉल हो रहा है, और फिर वापस से अगेन राइज हो रहा है, यानी कि ये एक तरीके से यू फॉर्म में है, जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इम्पैक्टेड है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इस तरीके से कर्व देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ABC का कर्व किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ABC लाइक अ यू शेप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक अ यू शेप, यानी कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, जो यू है ये वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है पर कॉस्ट पे। यहाँ पे यू क्या है, पर कॉस्ट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है, एवरेज वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पर कॉस्ट यहाँ पे वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट करना बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बाद एवरेज मार्जिनल कॉस्ट के बारे में।